देखिए दोस्तों, मैं अपने हर्ब गार्डन से आज पालक की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। कितनी फ्रेश और बहुत ही अच्छी हमारी पालक निकल कर आ रही है। मैं इन्हें सीजर से काटती जा रही हूँ और एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर पर ऑर्गेनिक पालक किस तरह से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, बिल्कुल सादा बॉक्स जो कि आप सबके घर में होता है, और उसमें ही मैं आपको लगाना बता रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है दोस्तों, 50% मिट्टी डाली है मैंने, 30% मैंने सैंड डाला है, और 20% मैंने इसमें मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ हो, बहुत ही न्यूट्रिशियस हो और हमारे पालक के पौधे जल्दी लग सकें। ये मेरे हाथ में जो पैकेट देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का है, इसे मैंने 50 रुपीज़ का मार्केट से लिया है। और साथ ही साथ ये पालक के बीज हैं दोस्तों, जिसे मैंने बीज भंडार से ख़रीदा है। इसकी कीमत मात्र 10 रुपीज़ है, 10 रुपये का ये पालक का बीज है दोस्तों। इसमें हमें बहुत कम बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले भी मैंने आपको एक प्लास्टिक के बैग में पालक लगाना बताया था दोस्तों, इसका वीडियो मैंने शेयर किया है आपके साथ। ये मैंने एक ग्रो बैग तैयार किया था, शक्कर के बोरे में मैंने आपको लगाना बताया था। आज मैं आपको कार्डबोर्ड बॉक्स जो रखा है उसमें मैं पालक को उगाना बता रही हूँ कि घर पर किस तरह से हम ऑर्गेनिक पालक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इस मिट्टी के ऊपर पालक के जो बीज मैं लेकर आई थी, इसे चारों तरफ मैं बहुत अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ, और मिट्टी में चारों तरफ मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। पालक के बीज कभी हवा से उड़ जाएं या सीड अपनी जगह से हिल जाते हैं तो ठीक से पौधे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर रही हूँ। जब हम मिट्टी से इसे ढांक देंगे तो ये जो बीज हैं वो आसानी से जर्मिनेट होंगे। और दोस्तों, मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जब भी आप इसमें पानी डालें, बहुत हल्के हाथों से डालें। मैंने इस बॉटल के ढक्कन पे बारीक बारीक छेद किए हैं कि पानी मेरा बिल्कुल स्प्रे की बॉटल के जैसा ही निकले। आप देख रहे होंगे बिल्कुल पतली पतली सी धार टाइप की आ रही है, इससे हमारे पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आज मैं आपको पूरे 10 दिन के बाद बता रही हूँ, सभी बीजों में जर्मिनेशन हो गया है, सभी से छोटे छोटे से पालक के पौधे निकल आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा ये जो मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार किया है पूरे पालक के छोटे छोटे पौधों से भर गया है दोस्तों। डायरेक्ट सनलाइट पे ही रखना है हमें। आज देखिए आप, आज 17 दिन हो चुके हैं, 17 डेज के बाद की शूटिंग मैं आपको बता रही हूँ। इतने इतने हमारे पालक के पौधे बढ़ गए हैं, इन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा। आज 20 डेज हैं दोस्तों। पालक के पौधे बहुत ही जल्दी लगते हैं। जितना टाइम धनिया को लगने में लगता है, धनिया का पौधे में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है, और पालक के पौधे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो 20 दिन के बाद आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियर आपको पालक की पत्तियाँ दिखने लगी हैं, परंतु अभी इसे उगने में थोड़ा सा और टाइम है दोस्तों। आज 22 दिन है, हर 2 से 3 दिन में पालक की पत्तियों में बहुत ज़्यादा चेंज लगने लग जाता है। 24 डेज के बाद आपको बता रही हूँ, आज आपको लग रहा होगा बिल्कुल क्लियर पालक की पत्तियाँ दिखने लगी हैं। मेरा ये कार्डबोर्ड बॉक्स पूरा पालक से भर चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा हब गार्डन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चमकने लगा है। इसके कारण इतना अच्छा लग रहा है फ्रेश पालक, ऐसा लग रहा है कि अभी इसे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाए और इसकी सब्ज़ी बना ली जाए। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर ज़रूर उगाएं पालक। बिल्कुल भी हमें ना खर्चा लगा है इसे उगाने में, मात्र 10 रुपये के मैं बीज लेकर आई थी। आज आप देखिए, 25 से 26 दिन हो चुके हैं, मेरे पालक कितनी अच्छी हो गई। मैं एक पौधा आपको उखाड़ कर बता रही हूँ दोस्तों। आप इसकी रूट देखिए, इसकी रूट बहुत गहरी नहीं होती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं कि बहुत हमें इसके लिए गहरा गमला चाहिए या कुछ स्पेशल पॉट चाहिए। इसकी रूट बहुत बहुत छोटी होती है, इसलिए हम किसी भी छोटे हल्के शैलो डब्बे में या शैलो बास्केट में हम इसे लगा सकते हैं। और मैंने तो सादा ये कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा था, उसी में बस मैंने पॉलीथीन बिछाई है और पॉलीथीन में 2-3 होल कर दिए थे, छेद कर दिए थे, ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा पानी है मिट्टी का वो आसानी से ड्रेन आउट हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी पालक लगाइए। मैंने 2 से 3 बार इस पालक को अभी काट लिया है दोस्तों। आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, थोड़ी संख्या कम हो गई है, मुझे ज़रूरत थी सूप में डालने की, इसलिए मैंने इसे काटा है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से घर पर पालक लगा सकते हैं। और आप सब लोगों को लगता है, क्या हम एक बार पालक उखाड़ लेंगे तो क्या ये दोबारा नहीं उगेगी? दोस्तों, ये दोबारा भी ग्रोथ होती है इसमें, परंतु थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो आज मैं आपको पूरी हार्वेस्टिंग करके दिखा रही हूँ। और जब भी पालक को, यदि आपको सेकंड हार्वेस्टिंग चाहिए दोस्तों, तो इसे खींच के ना निकालें, जड़ सहित ना निकालें, जड़ को हम लगे रहने देंगे। सिर्फ हमें ऊपर ऊपर के स्टेम की कटिंग करना है
और पालक की लीफ निकाल लेना है। मैं पालक की एक भी पत्ती को खींच के नहीं तोड़ रही हूँ, मैं कैंची की मदद से पालक की पत्तियाँ इस तरह से काटती जा रही हूँ और एक प्लेट में इकट्ठा करती जा रही हूँ। अभी मैं आपको पूरी इकट्ठा करके दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं इस तरह से बंच में पकड़ रही हूँ पूरी पालक की पत्तियों को और इसे काट काट के रखती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरी इस प्लेट में, प्लेट भी मैंने पास कर ली ताकि मैं पत्ती पत्ती काटती जाऊँ और इस प्लेट में रखती जाऊँ। मैंने बिल्कुल भी किसी भी पौधों की जड़ को नहीं उखाड़ा है, जड़ को डैमेज नहीं किया है, क्योंकि मुझे सेकेंड हार्वेस्टिंग भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसमें से फिर से पालक ग्रो हो, तो उसका वीडियो मैं एक दूसरा बना रही हूँ दोस्तों। आज मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है, और उसका भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि क्या हमारी पालक दोबारा भी इस तरह से उगी। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी पूरे गुच्छे में मैंने पालक अभी तोड़ी, काटी और इस प्लेट में रख ली है, और मन बहुत खुश हो रहा है इतनी हरी हरी फ्रेश पालक को देख कर दोस्तों। वैसे भी हमें पालक ज़रूर खाना चाहिए, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आप पालक की भाजी या दाल में डालिए या सूप में डालिए, पर किसी ना किसी रूप में रोज़ हमें पालक की 8-10 पत्तियां लेना चाहिए। और यदि आप घर में उगाएंगे दोस्तों, तो आप अपने डेली सलाद में पालक की कम से कम 5 से 6 पत्तियां काट के डाल सकते हैं, जिन्हें आप कच्चा भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसका बंच बनाती जा रही हूँ और काटती जा रही हूँ। कितनी सारी पालक मैंने आज घर पर इकट्ठी करी है और बहुत खुशी हो रही है। आप इसकी कीमत मत देखिए कि पालक तो बहुत सस्ती आती नहीं दोस्तों, हमने घर पर बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के घर पर ही पालक उगाया है। हमने इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है और बीच में एक दो बार नीम की खली डाली है कि पालक के पत्तों में कीड़े ना लगने पाए। तो देखा दोस्तों, ये थी मेरी पहली हार्वेस्टिंग जिसमें मैंने पूरी पालक की पत्तियों को सीजर से काट लिया, किसी की भी मैंने जड़ नहीं उखाड़ी है। अब मुझे सेकेंड हार्वेस्टिंग चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये पालक आप देख लीजिए, इतनी पालक मेरी कटी, 1 किलो से ऊपर पालक मैंने घर पर उगा ली है दोस्तों। अब मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स में डालूंगी वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली, ताकि जो मेरी मिट्टी है वो वापस फिर से न्यूट्रिशन आ जाए, उपजाऊ हो जाए और पालक के पत्ते जो हैं वो फिर से ग्रो होने लग जाएं। दोस्तों, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, परंतु ये दोबारा फिर से पालक के पत्ते उगते हैं, इसलिए कभी भी पालक को आप जड़ सहित ना उखाड़ें, सिर्फ पत्ती काटें। सेकेंड हार्वेस्टिंग के बाद फिर आप चाहें तो इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने इसमें डाल दिया वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मैंने डाली है नीम की खली, और अब मैं इसमें पानी हल्के हाथों से स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरी ये जो जड़ें हैं वो डैमेज ना होने पाए। और घर पर मैंने 1 किलो ऑर्गेनिक पालक निकाल ली है दोस्तों, और इसकी खुशी बहुत होगी जब आप भी घर से पालक उगाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा घर पर पालक उगाने का वीडियो, ऑर्गेनिक पालक कैसे उगाएं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करने हैं ढेर सारे लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब।